मेरे पीछे है दुनिया का सबसे बड़ा अबैंडन प्लेन, एंड क्या ये अबैंडन प्लेन है, वी कैन सर्वाइव फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स, बिकॉज ये ऐसा ऐसा प्लेन नहीं है। लोग कहते हैं कि ये प्लेन के जो भी आजू बाजू में जाता है, प्लेन का श्रापित गुरुत्वाकर्षण उसके दिमाग में कब्जा करके उसको बर्बाद कर देता है। एंड इस प्लेन में मेरा गोल होगा कि ये सब रियल है कि नहीं, ये सब एक्सप्लोर करके इस प्लेन में कुछ समय बिताने का। सो वेलकम टू सर्वाइविंग श्रापित प्लेन सर्वाइवल सीरीज। सो अराउंड 12 बजे के आसपास मैं पहुंच गया था मेरा चैलेंज कंप्लीट करने खोपोली, जो मेरे घर से अराउंड 70 किलोमीटर दूर है। भाई हम लोग प्लेन में आ गए, पर प्लेन में इतनी ज्यादा गर्मी है ना भाई, बहुत गर्मी है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये कॉकपिट। कॉकपिट तो आई नेवर थॉट कि इतना कंजेस्टेड होगा। अगर मेरी तरह कोई 6 फीट का आता है ना तो प्रॉब्लम जरूर होगा। आज तुम लोग का प्लेन भाई चलाएगा। कम ऑन लेट्स गो फर्स्ट गियर। फर्स्ट गियर डालेंगे, पार्किंग ब्रेक ऑन, इंजन सेट, रॉक एंड रोल, एंड हम लोग का प्लेन उड़ान भरने के लिए तैयार है। भाई वो पंछी उड़ रहे हैं, बोले जो कोयल, पंछी उड़ रहे हैं। इधर टूरिस्ट भी गाइस बहुत आ रहे हैं ये प्लेन में, ऊपर इधर गर्मी बहुत है। तो अभी मैं ऐसे लोकेशन में बैठा हूँ जिधर एयर होस्टेस बैठती है, दरन लेके आएंगे। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं एक विमान के विंडो में बैठने वाला हूँ, फेक वाले ओरिजिनल में बहुत बार बैठा हुआ। ये क्या है? चाइल बैठने को भी जगह नहीं रुक। एंड गाइस अगर तुम लोगों को पता होगा कि एमएस धोनी का शूट और 30 रन का शूट इधर ही हुआ है, ऐसा वो एमएस धोनी इधर यही लोकेशन में बैठा था, उसको बोल रहा था, नहीं सॉरी एमएस धोनी इधर बैठा था ऐसा, एंड उसको बोल रहा था प्रियंका को। प्रियंका चोपड़ा कब थी रे? आपका नाम कल टीवी पे देख लीजिएगा। अगर हम लोग ये बटन दबाते हैं तो लाइट चालू, लाइट का तो ये है ना भाई, छोड़ना किसको समझता है। ओ माय गॉड रडार में कोई तो दुश्मन ने अटैक किया है। ओ माय गॉड, देखो चलो भाई। अरे बट ये घूमता कैसे है, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है। ये देख, ये देख साइकिल का लॉक है इधर। एक साइकिल का लॉक इधर है यार, कैसे बताएगा? ये सच में साइकिल का लॉक है, ये देख नंबर लिखा हुआ है, पता नहीं कौन से दो अड़ाने के। ये देख क्या लिखा है इधर, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखो ये चीजें रखते हैं यहाँ पे। एक मिनट, ये ऑटो रिक्शा वाले से नहीं होगा ऐसा ही है ना। प्लेन में क्यों अपना मोए मोए कराते बार बार? खुला अरे अंदर एसी भी लगी है भाई, सैमसंग का बंद पड़ी है भाई, गर्मी कितनी हो रही है। चलो घर पे लेके जाते हैं। हम लोग को 2 घंटे हो चुके हैं इधर, अभी हम लोग वड़ा पाव मस्त भाई खा लिया है। लाइफ में फर्स्ट टाइम प्लेन के अंदर वड़ा पाव खाने का मेरा सपना था बचपन में, ऐसा सिर्फ बोलना था ब्लॉग के लिए। अभी देखो गाइस ये जो है ना बहुत ज़्यादा खतरनाक है, एंड मेरे को ना इधर आते ही मेरे को सिर्फ वही बात है कि भाई इधर कुछ होगा, बट सच में बोल रहा हूँ इधर से आते ही गूज़बम्स टाइप हो रहा है। ये लोग जो बोल रहे हैं उधर का, उधर कुछ भी आवाज़ नहीं आ रहा है। ये देखो छपरी देखो, उधर का आवाज़ ही नहीं आ रहा। एंड ये देखो सच में इधर इधर आप इधर देखते वो वाई भरे कुछ तो पागल है क्या तू? अरे यार, अरे यार भाई पागल है क्या भाई? करा दिया यार इसने तो भाई, हाथ मुंह में आ गया था मेरे भाई, लेजिट बाहर निकल जाता पूरा सीधा। क्या पता गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था ये, मैं अंदर आया एंड हो ऐसा कर रहा है यार, डेंजर लड़का। पक्का बात ही कर रहा था ना कि ये गिरा हुआ बंदा ये है नीच का है गाना। नहीं नहीं भाई, मैं इधर अंदर मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बली है। क्यों बहुत रात हो गई है वो इतना ही? अभी रात होने को आई है गाइस, मतलब शाम का टाइम हो गया है, तो अभी हम लोग थोड़ी देर में सो जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आतंकवादी का अटैक होने वाला है। यहाँ पे एक हाईजैकर घुसा हुआ है पूर्वम चोर के, और जल्दी नाम में ही चोर है तो जल्दी से इसको पकड़ो। नमस्कार, मेरा नाम है एयर होस्टेस। मेरा नाम है एयर होस्टेस। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ मारी, एंड मैं आ जाऊँ हूँ आपका एयर होस्टेस। यू आर सेफ्टी, माय सेफ्टी, यू आर गोइंग टू फ्लाई विद सिद्धार्थ मारी विद गो गोवा एयरप्लेन, एंड टुडे आई हैव वड़ा पाव फॉर यू। टेक दिस वड़ा पाव। सर बोल, सर सर वड़ा पाव चूज यू वड़ा पाव। हे यू वड़ा पाव, सो यू आई विल टीच यू हाउ टू वेयर अ सीट बेल्ट। फर्स्ट पैक दिस
अरे इधर दिखा ना, फर्स्ट पैक दिस, ट्विस्ट इट, लिक इट एंड बेट इट। लिक इट, लिक इट। अरे वो ओरियो का बोल रहा है थोड़ा सा। लिखा से। वड़ा पाव, वड़ा पाव, वड़ा पाव, वड़ा पाव। ए जूस, जूस, कोल्ड ड्रिंक्स। ए बेल, 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 चाय, चाय, कोल्ड ड्रिंक्स। वड़ा पाव। समोसा, समोसा, बेल, बेल, एक खाओगे, दो जाओगे। ए कम ऑन, कम ऑन, एक बार खाओ, दस बार जाओ। ए बेल, 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 काबे उठना बे। अरे तेरा स्टेशन आ गया, चल निकल। गरीब लोग आते इधर। देखो पैसा मेरे पास बहुत है, पैसे की कमी नहीं है, बिजनेस क्लास में बैठा हूँ, बट वड़ा पाव, वड़ा पाव खाने का जो सुकून मिलता है ना, आहा। प्लेन में वड़ा पाव खाने का घमंड। तो गाइस अभी सुबह हो चुकी है और भाई दोपहर हो गई यार। क्या बात कर रहे हैं, मैं इतना सोया, चैलेंज पे आ गया, मेरे को सोने को बिल्कुल पसंद नहीं है, बट ये दो बंदे बिल्कुल सो गए। जो मेरा कैमरा मैन गुरुजी, ये तो बोल रहा है मेरे को सोने का है। भाई अकेला मैं जागा तो नहीं रह सकता इतने खतरनाक जगह पे। पूर्वांक कब का सो गया? पूर्वांक नाम का फट्टू लग रहा है मेरे को तो। रे पूर्वांक विंडो भी अगर खुलता ना तो भी चलता। ऑटो रिक्शा मस्त है, हाथ भी बाहर निकाल सकते है। ये पूरा प्लेन बहुत बड़ा है, एंड इधर ये जो है ना, इधर लगता है प्लेन का मेन इंजिन जो हम लोग प्लेन को पावर देता है। अभी तो इन लोगों ने पूरा निकाल के रखा है, बट इसे ये आयरन की बॉडी है, प्रॉपर एकदम स्ट्रॉन्ग है। तुझे पता है प्लेन का क्रैश हुआ है, पायलट ने ये पिया था। अरे इसलिए आरसीबी जीतती रही है। अरे हाँ ये, अरे ये प्लेन विजय विजय माल्या वाला प्लेन हो गई है। प्लेन उड़ा रहा था बट मेरे प्लेन का टायर पंचर हो गया भाई। वो थोड़ा हवा भर के दो ना प्लेन में। फूक मारना इसमें, फूक मारना इसमें, प्लेन में फूक मारू क्या मैं? फूके अबे इधर से कल्याण जाने को मेरे को बहुत तकलीफ होगी, बट ठीक है। अभी गाइस पूरा इतनी गर्मी हो रही है ना भाई यहाँ पे, मुझे लग रहा है कि मैं कब बाहर जाता हूँ, कब अगला दिन होगा। अरे एक बूट मार, एक बूट बचा, बहुत गर्म पानी है, प्यास जा रही नहीं है इसमें। यार ठंडा पानी लेके आया, कुछ गुलजी पानी लेके आया, ठंडा पानी कहाँ से भाई? इधर कोई है नहीं भाई, मेरे को यहाँ पे दूर दूर जगह तो दुकान नहीं, कुछ भी नहीं है, सफोकेशन हो रहा है इधर भाई। चल मेरे पास एक आइडिया है, मत नहीं मिलना तुम्हारा, बूथ मिले याचा पुढे। हार मान गया तू, बियर गिलीज कर रहा है, नहीं मिटाएगा 24 घंटा। मेरे को बहुत ये हो रहा है, सब उल्टी हो रहा है मेरे को बहुत। भाई थोड़ी देर में बाहर जा रहा हूँ। ओपन एयर में जो है ना वही है भाई, प्लेन में बहुत मेरे को वड़ा पाव खाने के बाद तो सब एंडिंग में मेरी हालत की पूरी बैंड बच चुकी थी, एंड मेरे को लिटरली सफोकेशन आया, मेरे को उल्टी ऐसा फील हो रहा था। बट जब मैं नेचुरल हवा में थोड़ी देर रुका तो आई वाज लिटरली वेरी फाइन। बट नाउ द क्वेश्चन इज, कैन यू सर्वाइव 24 आवर्स इन द प्लेन? द आंसर इज बिग नो, दे डोंट अलाउ यू ब्रो।